स्वागत हो रहा है मतलब आज इस वीडियो के सौजन्य से उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बताएंगे जो लोग कमजोरी महसूस करते हैं, चक्कर आता है, थकान रहती है, सुस्ती रहती है, खून नहीं बढ़ रहा है, ओंठों की लालिमा खत्म हो रही, नाखूनों की चमक खत्म हो रही, चेहरे की तेजस्वता कम हो रही है और जिनको शीघ्र पतन की शिकायत है, वीर्य कम बन रहा है जिनके लिए, जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, जो पहलवानी करते हैं लेकिन हड्डियाँ कमज़ोर हैं, जिनको थकान रहती है, सुस्ती, बेचैनी, जिनको हार्ट श्वास से संबंधित प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों के लिए भी ये उपाय बड़ा बेहतरीन और उपयोगी होगा निश्चित रूप से। जो लोग हमारा तूफानी चूर्ण थोड़ा कुष्ठली होने के कारण नहीं खरीद पाते हैं, या फिर अपनी कंजूसी के कारण, या फिर हम पर विश्वास ना होने के कारण नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए लगातार यौन शक्ति को मजबूत बनाने के लिए और यौवन, पुनः यौवन को प्राप्त करने के लिए बेहतरीन फार्मूले निरंतर आपकी सेवा में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से आप ये बनाने की विधि सीख लो। इसको कहते हैं एक पाक, संभोग शक्ति वर्धक पाक कहते हैं। आपको क्या करना है, आधा किलो खजूर लेना है, जिसको आप छुआरा भी कहते हैं, दोनों अलग वेराइटी, थोड़ा अंतर है। और आधा किलो लेने के बाद मेरे इसको हल्का उबाल दीजिए, हल्का सा, ताकि इसकी गुठली बाहर निकल आए, ठीक है। और फिर इसकी आप पेस्ट जैसा बना लो। इसका पेस्ट बनाने के बाद में 2 किलो दूध के अंदर, भैंस का दूध होना चाहिए अभी यहाँ पर, उसके अंदर इस पेस्ट को डाल दीजिए और फिर इसका मावा बना लो, जिसे खोया भी कहते हैं, मावा भी कहते हैं। और धीरे धीरे हल्की आग पर बनाइए आप, और जब ये बन जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, मावा बन जाएगा, खोया बन जाएगा, और फिर आप इसके अंदर 10 ग्राम सफ़ेद इलायची, जिसको आप हरी इलायची भी कहते हैं, जो पान के अंदर पड़ता है, 10 ग्राम सफ़ेद इलायची, 10 ग्राम जावित्री और 20 ग्राम दक्षिणी जायफल, ये और 20 ग्राम लौंग, इन सब चीज़ों को आप पीस लीजिए। और पीसने के बाद जब ये मावा बन जाए, तैयार हो जाए, जो अभी आपने बनाया था 2 kg दूध में, उसमें ये मिक्स कर दीजिए। और थोड़ी सी आप मिश्री को के पाउडर को आप जितना स्वाद अनुसार मीठा कर सकें वो भी मिला लो। और बढ़िया से मिक्स करने के पश्चात आप इसको संभाल के रख लो। ये सरल और सस्ती विधि है, ये जो कंजूस और निर्धन लोग हैं उनके लिए भी उपयोगी हो सकती है। इसको कहते हैं छुआरा पाक, खजूर पाक भी कहते हैं, छुआरा पाक भी कहते हैं। आप इसका सेवन करें, और सेवन करने के कैसे करें, सुबह के लिए करीब करें 50 ग्राम 200 ml दूध के साथ एक्सरसाइज करने के बाद में, या फिर सुबह नाश्ता करने के बाद में, आप इसको पहले वो खा लो मुँह में डाल करके, ऊपर से गुनगुना दूध पी लीजिए, फिर देखो 8 दिन के अंदर चमत्कार नहीं, 3-4 दिन में ही आप अच्छा महसूस करेंगे। और रात्रि में सोने से 2 घंटे पहले आप ये ले लीजिए, या फिर सेक्स करने से 1 घंटा पहले, फिर देखो कैसी आपकी बॉडी सेहत बन जाती है, रंगीन हो जाएगी आपकी ज़िंदगी। 70 साल का बूढ़ा आदमी भी अगर 17 साल की लड़की की डिमांड ना करने लगे, आप 40 दिन खा के तो देखिए, हड्डियाँ भी मजबूत, कमर में दर्द है, बहुत सी महिलाओं के कमर में दर्द होता है, कई पुरुषों के यौनांग ढीले होने लगते हैं, लिंग ढीला होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, छोटा होने लगता है, बहुत सारे लोगों ने हस्तमैथुन धड़ाधड़ किया है, इससे उनका कमज़ोर हो गया, एकदम पतला सा मुली की तरह वीर्य पतला हो गया, इन सब चीज़ों को ये दूर करने में अपनी मदद देगा। एक सीमा था, एक लिमिट था। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अधिक शेयर करें, ताकि गरीब लोगों का अच्छे से भला हो सके, या जो कंजूस है उनका भी भला हो सके, या वो जो आयुर्वेद पे भरोसा करते हैं उनका भी भला हो। मैं
निरंतर आगे बढ़ाइए। भले ही आपके पास में पैसा बांटने के लिए नहीं है तो क्या हुआ, आप ज्ञानवर्धक चीज हैं, आप राष्ट्र हितकारी चीज हैं, मानवता के कल्याण के लिए आप आगे बढ़ाइए। हम लोग बुराइयों को बहुत आगे बढ़ाते हैं, हमारी आपकी प्रवृत्ति है, हम लोग बुराइयों को फॉरवर्ड करते हैं लेकिन अच्छाइयों को दबा लेते हैं ताकि ये फ़ायदा दूसरे को ना मिले। ये सोच हम लोगों को कमज़ोर करती है, हमारे समाज को कमज़ोर करती है, हमारे राष्ट्र को कमज़ोर करती है और परमात्मा की नज़र में हमें आपको गिराती है। यदि हम ईश्वर के उपासक हैं या नमाजी हैं तो निश्चित रूप से अच्छाई को आगे बढ़ाने की कोशिश करना है जीवन में, इससे बड़ा कोई शवाब नहीं है, अर्थात परोपकार नहीं है, पुण्य नहीं है। ओम शांति, ओम क्रांति।